इंडिया क्रिएट्स येट अनदर लैंडमार्क। अंतरिक्ष में एक और इतिहास, लैग्रेंज पॉइंट पर पहुंच गया है आदित्य L1। यकीनन मुझे इस बात का बहुत अच्छे तरीके से अंदाजा है कि इस वक्त पूरी पाकिस्तानी कौम किस सदमे से दोचार होगी। इंडिया सोलर मिशन आदित्य L1 रीचेस इट्स ऑर्बिट। Prime Minister Narendra Modi has finally taken to X to say, and let me quote him, he's saying that India has created yet another landmark. Hats off to scientists of India. जिसको सन मिशन भी कहा जाता है, जिसमें वो स्टडी करेंगे सोलर विंड्स को, सोलर स्टॉर्म को, कि उन्होंने इतना जबरदस्त मिशन कामयाबी से वहां तक पहुंचा दिया जिसकी खबरें अब पूरी दुनिया में चल रही हैं। और इसके अगर बजट की बात करें तो 378 इंडियन करोड़ रुपीज जो है इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट आई है इसरो की तरफ। हेलो ऑर्बिट में स्थापित हो गया है आदित्य L1। यहां से अगले 5 साल तक सूर्य का अध्ययन ये यान करेगा। गार्डियन से लेकर अल जजीरा तक और अल जजीरा से लेकर रॉयटर्स तक एक ही खबर कल रात से वायरल हो रही है, और वो ये है कि इंडिया क्रिएट्स येट अनदर लैंड। गलती नहीं है यहाँ पर, गलती ये है कि हमें सिखाया ही नहीं गया, हमें बताया ही नहीं गया, हमने सुना ही नहीं कि भाई स्पेस में होता क्या है। इसरो जो है वो कहा जा रहा है कि जो एक नई डायरेक्शन में इंडिया को लेके जा रहा है। इंडिया इकोनॉमिकली बहुत स्ट्रॉन्ग हो चुका है, अगर वो यहाँ भी आ जाता है, आप देखिए उसकी जो IT इंडस्ट्री है बिलियंस में है। बेसिकली स्पेस सेक्टर का नाम है स्पार्को, ठीक है, और जो कि पेंट वगैरह पे अक्सर लिखा होता है, हमारा ये लेवल है हमारे का, हम पेंट को स्पार्को कहते हैं। तो अगर वो यहाँ इस इंडस्ट्री को भी वो कटर कर जाता है तो वो तो सुपर पावर एशिया की, आपके एक मॉडर्न इंडिया है, एक डेवलप इंडिया है। सो दो चीजें मुझे, मेरा ख्याल है, मुझे समझ में आ रही हैं, दैट ए हिंदू मेजॉरिटेरियन इंडिया इज गोइंग साइड बाय साइड विद अ मॉडर्न इंडिया एज़ वेल। और ये क्या, कौन सी चीज इसमें से आगे जाती है, ये एक क्वेश्चन है, क्योंकि मॉडर्न इंडिया जो है उसके ऊपर बड़ी इन्वेस्टमेंट हुई है, और प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं वो एक मेजॉरिटेरियनिज्म पे भी यकीन जारी बातें रखती हैं और उनकी पार्टी रखती है, लेकिन इस वक्त जो उनकी जो साइंटिफिक डेवलपमेंट है, सक्सेस है, ये जारी बात है, इसका दैट डिजर्व्स अ लॉट ऑफ एप्रिसिएशन। पाकिस्तान की मेन स्ट्रीम पोलिटिकल लीडरशिप की तरफ से कोई कामयाब मुबारक नहीं आई, जो मैं समझता हूँ इट शुड हैपन देयर, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, बंद कमरों में बैठ के मैं आपको 100% कह सकता हूँ कि वेखो यार की गल हो गई, असी तो लड़ते फिरने, असा एक दूसरे ने डांगा फड़िया ने मारते फिरने, मतलब आई एम 200% श्योर दिस इज ए, जिसे कहते हैं ना ड्राइंग रूम टॉक है, ये जिसे कहते हैं ना कि वो लोग जो हैं पाकिस्तान में बैठ के बातें कर रहे हैं। और इंडिया ने ये सक्सेसफुली जो लॉन्च किया है, इससे पहले इंडिया ने तकरीबन 10 साल पहले लॉन्च किया था एक ऑब्जर्वर मिशन भी मार्स पे भेजा था। लेकिन ये जो चीज़ है 2019 में फेल हो गया, लेकिन मार्स पे भेजना, मेरा ख्याल है ये सारी की सारी आपकी ये अर्ज है, साड़ी पंजाबी कहते हैं अग, ठीक है, किन्नी अग है तुहाड़े अंदर, की करना चाहते हो। अमूमन हम यूथ को देखते हैं, लोगों को देखते हैं, तो इट सीम्स दैट देयर इज अग इंडिया दे अंदर ना, कि यार नहीं हमें करना है, हमें जाना है। सो ये स्टीरियोटाइपिंग थी डेवलपिंग वर्ल्ड के बारे में, लेकिन आई थिंक वो स्टीरियोटाइपिंग जो टूट रही है। हम समझते थे कि जो सफ़ेद स्किन वाला है या जो गोरा है या जो वो लोग हैं वो चीज़, अब इंडिया जो है उस स्टीरियोटाइपिंग को तोड़ रहा है, और इसीलिए इंडिया के अंदर वो आगे वो कह रहा है कि भाई हमें इस तरह ना देखा जाए, हमें ना देखा जाए हम ब्राउन स्किन हैं, हमें ना देखा जाए हम वाइट स्किन हैं, हमें ना देखा जाए हम ब्लैक स्किन हैं, आप हमारे हमें देखें, हमारी कामयाबी को देखें। सो ये जो क्वेश्चन है, द क्वेश्चन ऑफ सक्सेस, और दूसरा ये है कि आप जारी बात है पाकिस्तानी कंपेयर कर रहे हैं अपने आप को इंडिया के साथ, कि इंडिया क्या कर रहा है यार, हमारी लीडरशिप तो खामोश है। लीडरशिप तो मल्टीपल रीजंस की वजह से मैं आपको बता सकता हूँ खामोश है, कि जो मेन लीडरशिप है, जो ऊपर वाले 50 लोग हैं 30 लोग हैं 50 लोग हैं, वो तो जानबूझ के नहीं इंडिया को मुबारक दे रहे, क्योंकि वो इसलिए नहीं दे रहे, कहीं कहते होंगे एस्टैब्लिशमेंट नाराज हो जाए, कहीं इसलिए नहीं दे रहे हो कि यार बिजली हो जाए नहीं साढ़े, फिर सामने सवाल पूछे जाए, ठीक है जी की जनाब किस तरह थे इस तरह ना, ठीक है, वो हम ही ये सवाल पूछे जाने, सो लिहाजा गल ही ना करो, खा जो पी जाओ। सो ये जो क्वेश्चन है, आप जारी बात है लोग जो है वो कंपेयर करेंगे अपने आप को विद इंडिया। इंडिया क्रिएट्स येट अनदर लैंडमार्क। इंडिया सोलर मिशन आदित्य L1 रीचेस इट्स ऑर्बिट। इंडिया को बहुत बहुत मुबारकबाद, इंडिया के आवाम को, इंडियन गवर्नमेंट को, इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब को, वहां के लोगों को जबरदस्त कामयाबी पर बहुत बहुत मुबारकबाद। हैट्स ऑफ टू साइंटिस्ट ऑफ इंडिया कि उन्होंने इतना जबरदस्त मिशन कामयाबी से
वहां तक पहुंचा दिया जिसकी खबरें अब पूरी दुनिया में चल रही हैं। गार्डियन से लेकर अल जजीरा तक और अल जजीरा से लेकर रॉयटर्स तक एक ही खबर कल रात से वायरल हो रही है और वो ये है कि इंडिया क्रिएट्स येट अनदर लैंडमार्क और आदित्य L1 मिशन रीचेस सोलर ऑर्बिट। आप जानते हैं कि हमने आपको ये खबर उस वक्त भी दी थी कि जब ये मिशन स्टार्ट हुआ था और बल्कि उससे पहले भी मैंने एक बड़ा तफसीली प्रोग्राम किया था मैंने जिसमें आपको ये बताया था कि इंडिया की तरफ से एक सोलर मिशन भी अब भेजा जाएगा, उसकी तैयारियां हो चुकी हैं और उसमें क्या क्या कुछ होगा। हमने कई एक प्रोग्राम्स किए, हमने सीरीज ऑफ प्रोग्राम्स चंद्रयान 3 पर किए। तो आफ्टर चंद्रयान 3 सक्सेस, ग्रेट सक्सेस, ये इंडिया की एक और बहुत बड़ी कामयाबी हमारे सामने आ रही है कि आदित्य L1 मिशन जो है वो पहुंच चुका है अपने ऑर्बिट में। और सिर्फ यही नहीं बल्कि इसके पीछे वो कौन सी खातून है, इंडिया की विमेन कितनी जबरदस्त ताकत रखती हैं, इसके ऊपर भी बात करेंगे। आपको बताऊंगी इसकी डायरेक्टर और क्या है इसके पीछे, लेकिन पहले हम आपको ही बताते हैं इसकी थोड़ी डिटेल जो इस वक्त हमारे सामने पब्लिश हो चुकी हैं, हमारे सामने आ रही हैं। सोलर ऑब्जर्वेशन मिशन जो है विल अंडरटेक ए कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी ऑफ द सन, उसकी लेयर्स के मुतालिक रिसर्च होगी, बहुत सी इसमें ऑब्जर्वेशन जो मिशन है ये खास तौर पर जो सन के हवाले से ऐसी चीजें जो कि जमीन पर प्लैनेट पर जो है उसका इम्पैक्ट आता है, उसके असरात पड़ते हैं, उसके हवाले से बहुत सारी इसमें रिसर्च की जाएगी। ये कहा जा रहा है कि सन्स ऑर्बिट जो है अब उसमें आफ्टर ए 4 मंथ जर्नी पहुंच गया द लेटेस्ट सक्सेस फॉर स्पेस एक्सप्लोरेशन एम्बिशियस ऑफ द वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलस नेशन। ये कहा है अल जजीरा ने कि दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी वाले कंट्री का ये जो एक एम्बिशियस प्लान और एक्सप्लोरेशन ऑफ सन था ये अब कामयाबी से एक उस जगह पर पहुंच गया जिस पर सब तालियां बजा रहे हैं, क्लैप कर रहे हैं। इसके ऊपर जो इसरो है उसकी तरफ से बकायदा ये सारी फुटेजेस वायरल हुई, उनकी पिक्चर्स इमेजेस सामने आए, स्पीचेस हुई जिसमें इसरो के हेड जो हैं उन्होंने भी बात की। और सिर्फ यही नहीं बल्कि जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब हैं उन्होंने ट्विटर पे क्या कहा है पहले हम आपके सामने ये रखते हैं। उनका कहना था कि इंडिया क्रिएट्स येट अनदर लैंडमार्क, इंडियाज फर्स्ट सोलर ऑब्जर्वेटरी आदित्य L1 रीचेस इट्स डेस्टिनेशन, इट इज अ टेस्टामेंट टू द रिलेंटलेस डेडिकेशन ऑफ आवर साइंटिस्ट इन रियलाइजिंग अमंग द मोस्ट कॉम्प्लेक्स एंड इंट्रिकेट स्पेस मिशंस। फिर उन्होंने कहा आई जॉइन द नेशन इन अप्लॉडिंग दिस एक्स्ट्रॉर्डिनरी फीट, वी विल कंटिन्यू टू न्यू फ्रंटियर्स ऑफ साइंस फॉर द बेनिफिट ऑफ ह्यूमैनिटी। एग्जैक्टली, ये तो हम जानते हैं कि यू विल कंटिन्यू इंडिया, आप ये जारी रखेंगे, आप जहां पर पहुंच चुके हैं इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं, और ये बात फॉर ह्यूमैनिटी ये भी बिल्कुल सोलाने सच इसकी।